पत्नी को नौकरी कराया जाना ही शायद शायद मुझसे गलती भूल हो गया, क्योंकि उनके नौकरी में जाने के वजह से मेरा प्यार और परिवार दोनों मतलब अब टूटने के कगार। ये सरकारी नौकरी के प्रतिष्ठा के चक्कर में ना बहुत सारा प्यार परवान चढ़ जाता है और पुरुष पिसने लगता है। जब मैं अपनी पत्नी से पूछा तो उन्होंने भी यही मतलब शुरुआती दौर में ये कहा कि मैं अब अधिकारी हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, आप आपको नौकरी में भेजना ही नहीं चाहिए था कि महिला अगर पैरों पर खड़ी हो जाती है तो वो परिवार को छोड़ देती है। ये उनके सगे भाई का ही नतीजा ये हुआ कि मेरा घर आज टूट रहा है और मेरा प्यार मुझसे मतलब छूट रहा है। आपने पढ़ाया लिखाया अपनी पत्नी को और CIF सेफ बनते ही वो आपको छोड़ दी और किसी अन्य के साथ तो उसका अफेयर चल रहा। मैं अपने अंतिम सांस तक ये प्रयास करूंगा कि मेरा प्यार फिर से मतलब आ जाए, मेरा प्यार नहीं जाए। अब मैं उनसे जिनसे प्यार करता हूं उनको अपने मतलब पास रखने के लिए अगर प्रयास कर रहा हूं तो ये गलत है। लव मैरिज शादी किया, लव मैरिज शादी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, अपने जो भी खर्च थे उसको काट काट के पढ़ाया लिखाया और उसके बाद पत्नी इनके CISF बनती है और CISF बन करके किसी और के साथ उनका अफेयर हो जाता है। हम बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं और मुजफ्फरपुर में एक ऐसी घटना है जिसको जानकर के आप हैरान हो जाएंगे। महिला आयोग तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, महिला आयोग चला भी रही हैं, बहुत संस्थाएं ऐसी चल रही हैं, लेकिन पुरुषों के आवाज़ उठाने के लिए आज तक कोई नहीं आया। पुरुषों के ऊपर क्या बीत रहा है आज तक कोई नहीं दिखा रहा है, न कोई उनकी समस्या का समाधान हो रहा है उन लोगों का। सब सिर्फ महिलाओं को ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, लेकिन आज हम ऐसे एक शख्स से मिलवाने जा रहे हैं आपको जो पुरुष हैं और प्रताड़ित हैं अपनी पत्नी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है, सुमित कुमार। सुमित कुमार जी, क्या हुआ आपके साथ? जैसे ममता कुमारी जिनका नाम है, आपकी पत्नी ममता कुमारी मेरी पत्नी हुई, वो पश्चिमी चंपारण की रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत दिवलिया सिकरी बिगरी एक ग्राम है। अच्छा। वहीं के श्री सुनील प्रकाश राव की बेटी हैं। अच्छा। ये श्री सुनील प्रकाश राव मेरे पिता के मित्र मतलब मित्रवत संबंध हैं। अच्छा। थे उनसे, चूंकि दोनों लोग एक ही साथ नौकरी करते थे बिहार पुलिस में, तो इसलिए बचपन से ही हमारे परिवार में मतलब फैमिली रिलेशंस थे। इसके बाद हमने 2012 में शादी करा था हम दोनों ने। अच्छा, 2012 में आपने लव मैरिज किया था या अरेंज मैरिज किया था? किया था हमने लव मैरिज, लेकिन इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं था दोनों परिवार में से किसी को। अच्छा। मेरे घर का नाम मोनू है तो सब लोग मोनू बोलते हैं, तो मोनू और ममता ऐसे करके हमारा जैसे कहानी था मोनू और ममता की जो है। तो 12 में शादी के बाद जब शादी हुआ तो उस वक्त मेरा पढ़ाई चल रहा था, मेरा पढ़ाई का सेशन था 10 से 14, इंजीनियरिंग चेक कर रहा था मैं पंजाब से। इस बीच में हुआ, जैसे पहले से भी सब कुछ तय था कि शादी आगे चलकर होगा, बीच में पत्नी का ये ममता का ये हुआ फैसला कि हम लोग शादी कर लेते हैं। और हम लोग हमेशा से ये बारात वाला शादी नहीं करना था क्योंकि इसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं, तो इस आपस में जो बातचीत होता था ये कि हम लोग कोर्ट मैरिज ही कभी भी करेंगे कोर्ट मैरिज। तो इस दौरान बीच में इनका अचानक से हुआ कि हम लोग शादी कर लेते हैं, आगे करना ही है अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 22 अगस्त 2012 को हमने शादी किया। अच्छा। और इसमें किसी परिवार के सदस्य को विटनेस ना बनाकर हम लोगों ने अपने दोस्तों को नज़दीकी मतलब दोस्तों को बनाया ताकि ये आगे चलकर हम लोगों के साथ रहेगा, सर्टिफिकेट पर दोस्तों के नाम रहेंगे, सिग्नेचर रहेंगे, तो वो थोड़ा सा हम लोग को मतलब अच्छा ये लगेगा कि हाँ अपने फलाने फलाने दोस्त का वहाँ पर मौजूदगी था। इस कारण से हमने फैमिली को इसमें इन्वॉल्व नहीं करा शादी में। फिर वहाँ से आने के बाद सब लोगों को बताया कि हम लोगों ने शादी कर ली है, अब साथ सेटल हो रहे हैं। वो घर आ गए, घर आने और मैं वो चला गया पढ़ाई करने। घर आ गए तो कुछ मतलब महीनों के बाद आपके घर रहने जी 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 मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, झिकटी ग्राम ना है। अच्छा। झिकटी गांव है मेरा और पंचायत किनारू है, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा। कुछ महीनों के बाद इनका मन हुआ कि मैं भी नौकरी करके देखना चाहती हूँ। अच्छा। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, पहले से उनको कभी नौकरी नहीं करना था, अचानक से उन्होंने कहा कि मैं भी नौकरी करके देखना चाहती हूँ। पूछा कि नौकरी करके देखने का क्या तात्पर्य है, मतलब या तो नौकरी करना है या नहीं करना है, नौकरी करके देखना क्या है मतलब। तो नहीं, मैं टेम्पररी तौर पे करके देखना चाहती हूँ, फिर उसके बाद छोड़ दूंगी। अच्छा, ठीक है। तो आप पहले, फिर मैंने कहा शुरुआत में आप अपने परिवार से विचार कर लीजिए कहीं वो लोग मतलब क्या कहते हैं। नहीं, तो जब परिवार से बात किए तो इनके परिवार इनके नौकरी करने के ये थे कि नहीं नौकरी क्या क्या जरूरत है करने का। लेकिन चूंकि अब शादी हो चुका था तो मेन डिसीजन मेरे पर आ जाता है कि हाँ पति क्या विचार चाहता है, पति क्या विचार देते हैं, और हम भी देखें कि मतलब चूंकि वो मेरी पत्नी हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, तो उनके इच्छाओं का सम्मान तो होना ही चाहिए ना, इच्छाओं का। और अवसर तो पुरुष और महिला को समान मिलना चाहिए। अब अगर वो स्वावलंबी बनना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, तो इसमें रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है, करने देना चाहिए। फिर आया कि तो आगे खर्च कैसे होगा ये, क्योंकि हम तो खुद मतलब मुझे पिता पढ़ा रहे थे। तो मैंने पूछा कि क्या पढ़ाई करना है आपको, तो उन्होंने बताया कि जनरल कंपटीशन का तैयारी जो होता है जनरली SSC रेलवे बैंकिंग वगैरह, बहुत सारे जनरल कंपटीशन के अंतर्गत आते हैं एग्ज़ाम्स,
तो उन्होंने कहा कि जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है अपने ही शहर से रह कर, मुजफ्फरपुर से। अच्छा, तो मुजफ्फरपुर से रहकर ही पढ़ाई करने का कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं आता है, जो किराया मकान का होता है सो घर से तो आप राशन वगैरह आप लेकर खाते ही हैं, और जो कोचिंग वगैरह करते हैं और जो बुक्स वगैरह होती हैं सो। तो मैं जो वहाँ रह रहा था पहले, मैं जो मेरा जो यहाँ से पढ़ाई का ये खर्च मिलता था, मैंने उसमें बहुत सेविंग किया। पहले मैं जो जिस कमरे में रहता था वो उसका किराया ज़्यादा था, तो उसको छोड़कर अपने कॉलेज से थोड़ा दूरी पे, ताकि दूरी होने के कारण सस्ता मिलेगा मुझे, एक बहुत ही छोटा सा एक जिसमें मतलब काम चल जाए, मैंने 400 रुपये का एक किचन लिया किराए पे। अच्छा, 400 बहुत छोटा था, उसमें मेरा आधा शरीर जैसे स्लैब के नीचे रहता था, लेकिन उसमें मतलब किसी तरह सर्वाइव हो सके, पढ़ाई ही तो करना था ना, तो इसलिए मैंने किचन लिया। बल्लोपुर नाम के गांव में वो है, ये पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। लालरू के नज़दीक बल्लोपुर गाँव में है। तो और पहले जो मेरा किराया था उसमें से बहुत सारा बच गया, तो वो पैसा मैं यहाँ पे इनको भेजने लगा, ताकि यहाँ पे इनका किराया वगैरह मैनेज हो जाए। और उसके बाद मैं कॉलेज जैसे पैदल जाता था, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये ये सब, ताकि ये बच पाए, 5 रुपये 10 रुपये भी अगर रोज बचाता। ये जो बचत कर रहे थे आप अपनी पत्नी के लिए बचत कर रहे थे? हाँ, मैं जैसे कि मुझे जो खर्च था ताकि दोनों का इसमें चल पाए, तो इसका मैं प्रयास कर रहा था और ये हो भी जा रहा था। जैसे पैदल आना जाना पड़ रहा था, 3 किलोमीटर से ज़्यादा ही मेरा कॉलेज पड़ता था, तो मैं पहले पैदल आता जाता था, ताकि वो पैसा बच सके और वो पैसा मैं इन्हें भेज सकूँ, मतलब पत्नी को दे सके आप? जी जी, ताकि इनका पढ़ाई में मतलब कहीं से भी अवधान उत्पन्न ना हो। अच्छा। और इनका पढ़ाई चलता रहे, इनका इन्होंने पढ़ाई किया, मेहनत किया जो है, इनका 2014 के आसपास SSC के माध्यम से CISF में सब इंस्पेक्टर के पद पे चयन हो गया। अच्छा। तो तब हम लोगों को मतलब लगा कि पहले जैसे दोनों बहुत मुश्किल से जो ये हो रहा था, कोई एक सेटल हुआ, अब मतलब यहाँ से कुछ ठीक होगा स्थिति, क्योंकि बहुत मतलब सर्वाइव करने में काफ़ी कठिनाइयों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सही बात। तो जब ये ट्रेनिंग में गई तो उसके बाद फिर हम लोगों में मतलब आपसी सहमति बनी कि अब आगे जैसे ये पत्नी पैर पे हो खड़ी हो गई हैं, तो वो मुझे सपोर्ट करेंगी, अब मैं अपना आगे का पढ़ाई सुचारू रूप से कर पाऊँगा। तो ये तय हुआ कि मुझे प्राइवेट नौकरी अभी नहीं पकड़नी है, पटना आ जाना है और आगे का पढ़ाई करना है। जैसे हमें स्टेट कमीशन का तैयारी करना था, हम लोगों में अक्सर ये होता था कि दोनों में से शायद मतलब कोई स्टेट कमीशन में हो, जो जनरली अपने बिहार यूपी में होता है कि अधिकारी परिवार में अगर कोई अधिकारी हो तो थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और वो भी मुझसे मतलब बहुत प्यार करती थी, और हम भी, चूँकि आप हमारे शहर में जाएंगे यहाँ पता करेंगे तो सब लोग को पता है मोनू और ममता की मतलब कि क्या है सो, या परिवार में भी पूछेंगे, उनके परिवार में, मेरे परिवार में कि क्या था मोनू और ममता के बीच, नहीं था या क्या था, तो सब लोग बताएंगे। मतलब वो SSC का एग्ज़ाम दी, सब इंस्पेक्टर बन गई CISF का। जी। उसके बाद अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, जब वो ट्रेनिंग में गई तो ट्रेनिंग तक भी सब कुछ ठीक रहा, और जैसे उनका ट्रेनिंग कम्प्लीट हुआ उसके कुछ महीनों बाद उन्होंने तलाक मांगना शुरू कर दिया। अच्छा, तलाक मांगना शुरू अचानक से, जैसे कुछ होने का कोई कारण होना चाहिए, जैसे मतलब बारिश भी होता है तो बादल लगने के बाद होता है, वो तो शायद कभी संजोग होता है कि बिना बादल के बारिश हो जाए, लेकिन जनरली बिना कुछ हुए कुछ मतलब बिना किसी कारण का कुछ होता नहीं। लेकिन इस वक्त मुझे पता ही नहीं चला कुछ कि क्या हुआ नहीं हुआ या मेरी गलती क्या है। जैसे अगर मुझसे अगर कुछ गलती हुआ होगा जो मुझे नहीं पता होगा तो उन्हें मुझे बताना चाहिए था। सही बात। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो बताती कहाँ से वो। तो उसके बाद उन्होंने तलाक मांगना शुरू कर दिया और दूरी बनाने लगी। अच्छा। तो मैं अपने ये उसके बाद इस स्थिति में पढ़ाई तो हो नहीं सकती थी मेरी, तो मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगा, और अब चूंकि वो उनका जो इकोनॉमिकल सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, और अब ये इंजीनियरिंग करने के बाद ये नौकरी नहीं करना, हमारे पति पत्नी के बीच का डिसीजन था कि अभी पढ़ाई करना है मुझे, अब इस परिस्थिति में पिता से वापस से पैसा मांगना पढ़ाई के लिए थोड़ा सा अजीब लग रहा था। हाँ, जिसे कोई भी चाहता कि अगर पत्नी जॉब कर रही है तो कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगी ही। वो बात समझिए, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे देश में सारे लोग अधिकार और अवसर की बात करते हैं, समान अधिकार समान अवसर हो, लेकिन समान जिम्मेवारी का बात नहीं करता है कोई। समान जिम्मेवारी की बात, जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिला और पुरुष को समान अधिकार और समान अवसर नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, और मैंने तो अपनी पत्नी को दिया भी ना, लेकिन समान जिम्मेवारी का बात कोई नहीं करता है। अगर समाज के प्रति जो जिम्मेवारी है, क्या वो केवल पुरुषों के कंधों पे तो नहीं है ना, महिलाओं के को भी तो इसका देखना चाहिए, सोचना चाहिए ना। जैसे इस पूरे परिस्थिति में जो मेरा कहानी है, इस तरह के
लाखों पुरुष होंगे जो बहुत कष्ट बहुत पीड़ा सहते हैं लेकिन समाज के सामने नहीं खुल के रख पाते अपना बात, क्योंकि उनको ऐसा बना दिया जाता है कि आप पुरुष हैं, आप दर्द सहिए, आप पीड़ा सहिए, आप खुल के नहीं बोल सकते हैं, आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको रोना नहीं पड़ेगा। मुझे भी बहुत रोना आता है, आता है पुरुषों को भी बहुत मन करता है रोने का, लेकिन ऐसा बना दिया गया है कि नहीं आपको नहीं, आप पुरुष हैं, आपको सहना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा ये प्रयास है अभी कि मतलब हम अकेले प्रयास कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि मतलब मेरा प्यार हमसे दूर चला जाएगा, इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि थोड़ा आप लोग मतलब मदद करें और मेरी ममता को मतलब ये मतलब ये मैसेज जाए कि वो मतलब ऐसा नहीं करे, वो मतलब मुझे नहीं ये अलग हो मुझसे, क्योंकि उसके बिना कोई है नहीं, कैसे मतलब उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे, हम उससे प्यार करते हैं। सही बात। जब CIA सब बनी, सब इंस्पेक्टर बन गई, तो वहाँ जाने के बाद कहीं किसी और के साथ उसका अफेयर हो गया? जैसे ये सब बात मैंने पता किया तो पता चला कि उनका अफेयर है। अच्छा। उन्होंने भी टेलीफोनिक पे फ़ोन पे ऐसे ही कहा, लेकिन जो मुझे लगता है कि वो मुझसे ये सारा कुछ तलाक लेने के लिए मतलब ये माहौल बनाई ताकि मैं उन्हें आसानी से जाने दूँ। अच्छा। बात समझिए, जैसे अगर आपको किसी से अलग हटना होता है तो सामने वाले में बहुत सारी खामियां आपको दिखने लगती हैं, और अगर साथ होना होता है तो उसमें बहुत सारे गुण आ जाते हैं, जबकि व्यक्ति एक ही रहता है, जो पहले था वो आज भी है, बस आपके मतलब उद्देश्य के हिसाब से उसमें गुण ये आ जाते हैं और चले जाते हैं। कि जो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझसे तलाक लेने के लिए ये सब चीज़ें की मतलब बोली होंगी, और मैं किसी बात का पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि मान लीजिए उनके बारे में उनके कुछ कलीग्स ने कुछ किसी ने कुछ कहे तो हो सकता है ये कि ये सच्चाई भी हो सकता है कि ये झूठा मतलब गलत भी हो। आपने आप किसी व्यक्ति का नाम ले रहे थे कि उस व्यक्ति ले रहा था ना, क्योंकि मुझे भी उनके कलीग्स ने ये चैट के माध्यम से बताया था कि ऐसा ऐसा है कि उनका नाम ऐसे है, लेकिन जैसे वो, और जब मैं अपनी पत्नी से पूछा तो उन्होंने भी यही मतलब शुरुआती दौर में ये कहा कि मैं अब अधिकारी हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तब एक अधिकारी बनेंगे, लेकिन हम तो अब एक अधिकारी हैं, मेरा आसानी समझा है तो किसी अधिकारी से शादी हो सकता है। मतलब रोज वो एक नया कारण देती कि आज ऐसे है, कल वैसे है, वैसे है। अभी वर्तमान में जो अभी वर्तमान का आप अगर सिनेरियो पूछे मुझसे कि वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान में वो मुझ पर उन्होंने इतने सारे कंडीशंस लाद दिए हैं कि हम जैसे जो थे पति पत्नी वो वैसे फिर हो सकते हैं, लेकिन कुछ आपको कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। और जब मैंने उनके पिता से परिवार से अभी संपर्क किया तो उनके पिता का कहना है कि मेरी बेटी पूरे गांव भर में एक दरोगा है और उसके वजह से मेरा सामाजिक प्रतिष्ठा मतलब काफ़ी है। ये सरकारी नौकरी के प्रतिष्ठा के चक्कर में ना बहुत सारा प्यार परवान चढ़ जाता है और पुरुष पिसने लगता है, जो है कि सरकारी नौकरी में है तो मेरी बेटी जो भी करेगी वो अब ठीक कर रही है। केवल इसलिए जब मैंने इस बाबत पूछा भी अपने पत्नी से कि जो परिवार पहले उनका मेरे प्रति सिंपैथी था उनके परिवार का कि हाँ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, एक दिन ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, और उनके खुद के घर के सगे लोग ने मुझे ये मना किया था कि नौकरी नहीं कराइए, अब उन्होंने अब कहा है, कहते हैं मेरे पास इसके प्रमाण है जो समय आने पर मैं सामने रखूँगा जो है कि आपको नौकरी में भेजना ही नहीं चाहिए था कि महिला अगर पैरों पर खड़ी हो जाती है तो वो परिवार को छोड़ देती है। ये उनके सगे भाई का ये स्टेटमेंट है। अच्छा, उसके भाई लोग कह रहे थे? उनके अपने भाई, सगे भाई। अच्छा। उनके नौकरी करने के पक्ष में उनका परिवार कभी से था नहीं, लेकिन हमने उनके इच्छा का उनके इसका सम्मान किया और ये करने दिया। इच्छा और पूरा किया। इच्छा मतलब जो उनको मन मतलब नौकरी करने का मन था, और नतीजा ये हुआ कि मेरा घर आज टूट रहा है और मेरा प्यार मुझसे मतलब छूट रहा है। अच्छा। कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि आपने पढ़ाया लिखाया अपनी पत्नी को और CIF से बनते ही वो आपको छोड़ दी और किसी अन्य के साथ तो उसका अफेयर चल रहा है। हाँ, शायद यही बात है, क्योंकि मतलब ये अगर कम शब्दों में कहूँ मैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे पत्नी को नौकरी कराया जाना ही शायद मुझसे गलती भूल हो गया, क्योंकि उनके नौकरी में जाने की वजह से मेरा प्यार और परिवार दोनों मतलब अब टूटने के कगार पे है। अच्छा। तो नौकरी शायद मेरे परिवार और खुशियों को खा गया। फिलहाल में अभी कोई बातचीत हो रही है? ये इतने सारे कंडीशंस लाद कर दिए गए हैं ना, उस कंडीशंस में जैसे उन कंडीशंस को नहीं माने जा सकते, ऐसे ऐसे कंडीशंस है। तो कुछ कंडीशन बताइए। कुछ कंडीशन है जैसे कि मुझे अपने सारे लोगों को छोड़ना होगा, अपने सारे रिश्ते ना तो यहाँ तक कि पिता जो जन्म दिए उनको भी छोड़ना होगा। छोड़ने से तात्पर्य जब हमने कहा उनसे कि बाकी सब तो चलिए एक मतलब हद तक किया जा सकता है, लेकिन पिता को कैसे, जो माता पिता जन्म दिए हैं उनको कैसे छोड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा तो पिता को कहीं अलग रख दीजिए और उनके देखभाल करने के लिए रख दीजिए, उनको अपने साथ नहीं रखना होगा। अब एक बात बताइए, मेरे पिता जब बूढ़े हो जाएंगे, वो किसी भी माता पिता वही चाहता है कि अपने मतलब बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ रहे, तो उस परिस्थिति में अपने पिता को अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ, ये मतलब मानवीय नहीं है ना, ये किसी आधार पर ना तो ये नैतिकता के आधार पर सही है, ना ही संवैधानिक अधिकार पर, ना ही मानवीयता के आधार पर, मैं ऐसा कैसे करूँगा। मतलब इतने सारे कंडीशन लगा रहे हैं कि अब अपना घर के पूरे परिवार को छोड़ सारा कुछ छोड़ना होगा, मुझे अपना फ़ोन नंबर सब कुछ छोड़ना होगा, मुझे सोशल मीडिया नहीं चलाना होगा, बहुत सारे ऐसे शर्त। हम घर में रहेंगे भी तो अलग अलग कमरों में रहेंगे, घर में रहेंगे भी तो अलग अलग कमरों में रहेंगे,
मतलब फिर तो रहने का क्या मतलब बन जाता है? वही तो मैंने पहले ही कहा ना कि ये मानने योग्य बात ही नहीं है, ये मानने योग्य शर्तें ही नहीं है, कैसे मानूंगा मैं? जैसे मैं उनसे प्यार करता हूँ वो जिंदगी है मेरी। अच्छा, मैं अपने अंतिम सांस तक ये प्रयास करूँगा कि मेरा प्यार फिर से मतलब आ जाए, मेरा प्यार नहीं जाए। अब मैं उनसे जिनसे प्यार करता हूँ उनको अपने मतलब पास रखने के लिए अगर प्रयास कर रहा हूँ तो ये गलत थोड़े ना है। अच्छा, कहीं ना कहीं लोगों को प्यार पर से विश्वास उठ जाएगा, भरोसा उठ जाएगा, इसलिए कि हर प्यार करने वाले के साथ अगर ऐसा हो, अगर कोई प्यार करता है उसकी पत्नी कुछ बन जाती है उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है जो कि आपके साथ हो रहा है। मैं पहले भी बता दूँ आपको कि पहले SDM ज्योति मौर्या के कहानी से शुरुआत हुई और अब धीरे धीरे लोग आना चाह रहे हैं, बहुत पुरुषों के साथ हो रहा है, लाखों पुरुषों के साथ हो रहा है, ऐसा लाखों पुरुष प्रताड़ित किए जा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई आयोग अभी तक नहीं बना जो कि पुरुषों को न्याय दिला सके। अगर पत्नी पति को छोड़ना चाहती है तो छोड़ सकती है बिल्कुल आराम से, लेकिन अगर पति छोड़ना चाहे पत्नी को तो उसके लिए आपको कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते मतलब नहीं छोड़ सकते हैं उसको, जबकि दोनों की सहमति नहीं हो। और यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इन्होंने लव मैरिज शादी किया, लव मैरिज शादी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, अपने जो भी खर्च थे उसको काट काट के पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद पत्नी इनके CISF बनती है और CISF बन करके किसी और के साथ उनका अफेयर हो जाता है और वो इनको छोड़ने के लिए तलाक मांगती है। बाकी बात और क्या अपील करना चाहेंगे? मतलब आपसे, ममता के परिवार से और पूरे जनता से मैं हाथ जोड़ के मतलब ये कह रहा हूँ कि आप सब लोग थोड़ा प्रयास करें। हम अकेले मना रहे हैं अपने पत्नी को या अपने प्यार को आप कहें तो वो नहीं मान रही है। अगर समाज सारे लोग प्रयास करेंगे तो शायद मेरा प्यार मेरे से अलग होने से मतलब ये बच जाएगा और मेरा घर टूटने से बच जाएगा। सब लोग थोड़ा सा मतलब प्रयास करें ताकि मेरा घर टूटे नहीं, मेरा परिवार मुझसे नहीं छूटे और प्यार मतलब मेरे पास मेरी ममता फिर से आ जाए। कहीं ना कहीं आपके प्यार में कोई कमी तो नहीं रह गई? तो ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए। अगर मेरे प्यार में कमी था तो आप मेरे शहर में जाएं और पूछें, जैसे मोनू और ममता के बारे में कि क्या है नहीं है। मतलब मोनू के ममता की प्रेम कहानी चर्चित थी जी। मोनू और ममता जैसे पूरे हमारे रिश्ते में मतलब हमारे तरफ के जो मैं हूँ तो मोनू के सारे लोग, सारे रिश्ते नाते लोग जानते थे कि ममता क्या है और कौन है, उसकी क्या है उसके लिए। उसी तरह से ममता के सारे रिश्तेदार लोग शादी से पहले से भी सबको पता था कि मोनू कौन है और क्या है। अगर हमारी कहानी छोटी रही होती तो सारे लोग को थोड़े पता होता, नहीं पता होता। क्या आपको लगता है कि महिला आयोग बन चुका है, पुरुष आयोग बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ इतने सालों का कहानी 5 मिनट में नहीं बताया जा सकता, इसमें मतलब असंख्य पीड़ा और कष्ट से मैं गुजरा हूँ, लेकिन बावजूद इसके मैं अपने अंतिम सांस तक प्रयास करूँगा कि मेरा प्यार, अब इस अफसोस में जी मरने से बेहतर है, ये जीने से बेहतर है कि हाँ शायद हम प्रयास किए रहते तो मेरा प्यार मतलब मेरे पास रहता, उससे अच्छा है कि प्रयास करके मैं इस संतुष्टि के साथ मरूँ कि हाँ मैंने अपने पूरा मतलब प्रयास किया कि मेरा प्यार मेरे लाइफ में बना रहे, जीवन में बना रहे। तो मैं अपने अंतिम सांस तक प्रयास करूँगा कि मेरी ममता वापस आए। क्या आपसे कोई राय लेगा कि आप अपनी, कोई अगर आदमी आके आपसे कहता है कि आप अपनी पत्नी को पढ़ा करके कोई नौकरी दिलवा दीजिए तो क्या कहेंगे आप? नहीं मतलब देखिए, पढ़ाया जाना जैसे कि ये दो बात है, विरोधाभास भी है इसमें एक तरह का। जैसे पति तो पत्नी को सपोर्ट कर रहा है मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और आर्थिक तौर पे कि उनके इच्छाओं का सम्मान कर रहा है, उन्हें समान अवसर दे रहा है अपने सही बराबर का कि वो भी आगे बढ़े, वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो, लेकिन पत्नी इसका दुरुपयोग कर रही है। पत्नियों को ऐसा चाहिए कि ना करे, चूँकि इसमें जो पीड़ा होता है मानसिक पीड़ा, इसका कोई मतलब जिक्र नहीं करता है इस मानसिक पीड़ा का। मैं बता रहा हूँ अगर सर्वे किया जाए तो ऐसे लाखों पुरुष मिलेंगे जो मतलब अकेले में रोते हैं और किसी से अपना दर्द नहीं कह पाते हैं, ये इसमें बहुत पीड़ा होता है। मैं चाहूँगा कि जितने भी आयोग बने हुए हैं, महिला आयोग बने हुए हैं, अगर महिला आयोग अगर पुरुष को दर्द समझना चाहते हैं तो पुरुष के पास आकर के मिलिए और इनका भी दर्द समझिए। एक तरफा न्याय करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ लड़कियों को सिर्फ दिखाने से, महिलाओं को दिखाने से सिर्फ ये दुनिया नहीं चलेगी। पुरुष भी प्रताड़ित हैं और इतने प्रताड़ित हैं कि तिल तिल मर रहे हैं लोग। एक मतलब इनके पत्नी के जाने के बाद ऐसा मैंने देखा कि ये डिप्रेशन में चल रहे हैं, इनके जो मानसिक स्थिति है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मतलब ठीक नहीं है। और हर कोई के साथ स्वाभाविक है कि ऐसा होता है कि अगर किसी की पत्नी अगर कोई अगर अपनी पत्नी को पढ़ाता लिखाता है, अपने एक एक रुपये खर्च काट करके और पत्नी को पढ़ाता लिखाता है और वो अधिकारी बन जाती है, नौकरी करने लगती है, और अगर वो छोड़ दे तो सवाल तो खड़ा होता ही है। हम चाहेंगे, गुजारिश करेंगे, जितने भी अधिकारी देख रहे हैं या फिर इनके ममता के जो फैमिली वाले देख रहे हैं, इनको प्यार इनका वापस दिला दीजिए और ये लोग एक अच्छी ज़िंदगी जीने का कोशिश करें, इसलिए कि इनका भी अधिकार है। इन्होंने प्यार किया था, प्यार करके शादी किया था और शादी करके ये नहीं सोचा था इन्होंने कि हमारे साथ आज ये दिन हमको देखना पड़ेगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।